गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिबीएल मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग डेली वीडियोस देख रहे हैं हर सब्जेक्ट के हर क्लास में, जिनको देखकर आप लोग वर्क भी करते हैं और लर्न भी करते हैं। वर्क करते समय प्लीज़ अपना बुक सेट भी अपने पास लीजिए। जिस सब्जेक्ट का वर्क कराया जा रहा है उसका उसकी बुक निकालिए, जो पेज नंबर बताया जा रहा है वो पेज नंबर खोलिए और फिर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। वर्क प्लीज़ सफाई से नीटली करिए और उसे साथ के साथ लर्न भी कीजिए और वीडियोस को लाइक करना न भूलें। आज मैं आपको प्रेप क्लास में इंग्लिश में शी, हर, ही और हिज इसका यूज़ करना बता चुकी हूँ, जिनके की फिल इन द ब्लैंक्स करा रही हूँ, उनकी फिल इन द ब्लैंक्स करा रही हूँ। तो आज आपको क्या करना है, शी हर ही और हिज एंड हिज, ये हर एक ब्लैंक में लिखना है आपको। ही एंड हिज इन ईच ब्लैंक, हर एक ब्लैंक में आपको इसका यूज करना है। अब मैंने आपको बताया था कि शी का यूज़ तो होता है लड़की के लिए, और उसी के बारे में जब हम बताते हैं तो हमें हर लिखना होता है। ही का यूज़ होता है लड़के या आदमी के लिए, और तब हमें हिज का यूज़ करना होता है जब उसके बारे में बताते हैं। हम जब किसी आदमी या लड़के के बारे में बताते हैं तो हमें हिज बताना होता है, लिखना होता है, और जब हम लड़की के बारे में बताते हैं तो उसे उस समय हमें हर लिखना होता है। तो यहाँ पे आपकी ब्लैंक है, डैश इज ए गर्ल, क्या है, डैश इज ए गर्ल, यानी कि शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। अब उसका उसके बारे में बता रहे हैं कि उसका नाम है मीरा, हर नेम इज मीरा, तो यहाँ पे हर लिखेंगे क्योंकि उसके बारे में, लड़की के बारे में बता रहे हैं तो हर लिखेंगे हम। फिर है थर्ड सेंटेंस, शी रीड्स, वह पढ़ती है, शी रीड्स इन माय स्कूल, तो वह पढ़ती है मेरे विद्यालय में, तो उसके बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शी। जब वह का यूज होता है तब शी लिखना है और उसके बारे में उसका लिखना है तो हम हर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम हर लिखेंगे। फिर है उसके फादर के बारे में, हर फादर, उसके फादर इज ए टीचर, एक टीचर है, इज ए टीचर, ठीक है। फिर अपना फिफ्थ सेंटेंस है, लव्स मीरा वेरी मच, यानी कि उसके फादर लव्स मीरा वेरी मच, मीरा को बहुत प्यार करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ही लव्स, क्योंकि फादर के बारे में बताया है, फादर एक आदमी है तो हम ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम ही लिखेंगे। फिर है मीरा टू, यानी कि मीरा भी लव्स ब्लैंक फादर, यानी कि मीरा भी प्यार करती है किससे, उसके पिताजी से, तो उसके में हम यहां क्या लिखेंगे, हर फादर। फिर है डैश एंड डैश फादर आर गुड फ्रेंड्स। अब देखो, गुड फ्रेंड्स यानी अच्छे मित्र, गुड फ्रेंड्स यानी अच्छे मित्र, तो शी वह और उसके उसके, तो हर, शी एंड हर फादर, वह और उसके फादर,
यानी कि शी एंड हर फादर आर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे शी भी आ गया और हर भी आ गया क्योंकि टू ब्लैंक्स है, इसलिए हम दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आया, ये शी लड़की के लिए लिखते हैं और हर भी लड़की के लिए लिखते हैं। जब लड़की के बारे में बताना था तो हमें हर का यूज करना होता है। अब आपको समझ में आ गया, इसे आप कॉपी में फेयर आउट करिए और ये आपको इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 30 पर दिया हुआ है, इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 30 पर प्रेप क्लास में। ठीक है ना, तो अब आप इसे फेयर आउट कर लीजिए और इसे लर्न कीजिए। थैंक यू।